हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो मैंने आज बनाया है आलू का रोल, जो कि मैंने बहुत इजी तरीके से बनाया है और एकदम क्रिस्पी, और ये रोल करारी बनेंगे। तो आइए आप भी मेरे साथ बनाना शुरू करिए। इसे मैक्सिमम बनाने में 15 से 10 मिनट ही लगे हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है उबले हुए आलू। यहाँ पे हमने 3 से 4 उबले हुए आलू लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से बारीक अच्छे से मसल लेंगे। ये रेसिपी मैंने बहुत इजी तरीके से बनाया है। अगर शाम के टाइम में अगर आपको थोड़ी सी भूख है तो आप इस रेसिपी को एकदम झटपट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू को एकदम अच्छे से मसल लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड के क्रम्स। यहाँ पे मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिया था, इसे हमने मिक्सी के जार में अच्छे से इसे पीस लिया। और यहाँ पे हमने लिया है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, और लिया 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और स्वाद अनुसार हमने यहाँ पर लिया है नमक। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमने बनाया पेस्ट अदरक लहसुन का और हरी मिर्ची का। हमने पेस्ट थोड़ा सा दरदरा बनाया था, इसे भी हमने ऐड कर दिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पे चावल का भी आटा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो आप उसका यूज ज़रूर करें, उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा और इसे अच्छे से मसल लेंगे ताकि जो हमारी रोल बनेंगे एकदम सॉफ्ट बनेंगे, और जब हम फ्राई करेंगे तो ऑयल में वो फैलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, और फिर क्या करेंगे, इसे अच्छे से गोल कर लेंगे और बीच से हम इसे काट लेंगे 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, जितना आप चाहें उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। जितना बड़ा आपको रोल बनाना है उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। वैसे तो आपने बहुत तरीके के रोल खाए होंगे, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत पसंद आएगा और बहुत टेस्टी लगेगा। और मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर करती हूँ और सोचती हूँ कि बहुत इजीली तरीके से वो घर पे सामान आपके घर पे अवेलेबल हो, उसी से बन जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे रोल बना के रेडी कर लिए हैं, और देखिए मैक्सिमम 3 से 4 आलू में इतने रोल बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने। तो यहाँ पर हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, और जब ऑयल गरम हो जाए तो अब हम एक एक करके रोल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ऑयल गरम हो तभी रोल को डालें, नहीं तो ऑयल में ये पिघलने लगेंगी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने आपके साथ बहुत वीडियो डालने में डिले कर दिया है, तो अब मैं आपके साथ ऐसे ही रेगुलर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगती हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी कैसी बनी है, क्योंकि मैंने ये बहुत दिन बाद वीडियो शेयर की है। तो इसे हमें डीप फ्राई करना है, जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे फ्राई करते रहना है। तो ये देखिए अच्छी अच्छे से हल्के से ब्राउन हो रहे हैं हमारे रोल। तो इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि नीचे से पकड़े ना। तो यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, और इस रेसिपी को आप बनाइए, देखिए कितनी क्रिस्पी लगेगी। तो यहाँ पे हमने बाकी के भी रोल इसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छे से हमने फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे, और इसे आप टमाटो केचप या सेजवान चटनी के साथ खाएँ, ये बहुत टेस्टी लगेंगी। और ख़ास तौर पे बच्चों को ये रोल बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, और आपने देखा मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बनाया है। तो ऐसे ही अगर आपको मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।